तो आज का फर्स्ट वर्ड है पसंद करना। पसंद करना को इंग्लिश में बोलेंगे लाइक, और उसका ऑपोजिट नापसंद करना। नापसंद करना को इंग्लिश में बोलेंगे डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है सूखा। सूखा को इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई, और उसका ऑपोजिट है गीला। गीला को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेट। वेट। नेक्स्ट वर्ड है प्यार करना। प्यार करना या मोहब्बत करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लव। लव। और इसका ऑपोजिट है नफरत करना। नफरत करना को इंग्लिश में बोलेंगे हेट। हेट। नेक्स्ट है स्वर्ग। स्वर्ग को इंग्लिश में बोलेंगे हेवन। हेवन। और इसका ऑपोजिट नर्क। नर्क को इंग्लिश में बोलेंगे हेल। हेल। नेक्स्ट वर्ड है व्यस्त। व्यस्त को इंग्लिश में बोलेंगे बिजी। बिजी। और इसका ऑपोजिट खाली, जो व्यस्त ना हो तो खाली, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आइडल। आइडल। नेक्स्ट वर्ड है पास। पास को इंग्लिश में बोलेंगे नियर। नियर। और इसका ऑपोजिट दूर। दूर को हम इंग्लिश में बोलेंगे फार। फार। नेक्स्ट वर्ड है पहले। पहले को हम इंग्लिश में बोलेंगे बिफोर। बिफोर। और इसका ऑपोजिट बाद में। बाद में को इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर। आफ्टर। नेक्स्ट वर्ड है अंदर। अंदर को इंग्लिश में बोलेंगे इनसाइड। इनसाइड। और इसका ऑपोजिट बाहर। बाहर को इंग्लिश में बोलेंगे आउटसाइड। आउटसाइड। नेक्स्ट वर्ड है सब। सब को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल। ऑल। और इसका ऑपोजिट कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नन। नन। नेक्स्ट वर्ड है खुशी। खुशी को इंग्लिश में बोलेंगे जॉय। जॉय। और इसका ऑपोजिट दुख। दुख को इंग्लिश में बोलेंगे सौरो। सौरो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वर्ड है नुकीला या पैना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शार्प। शार्प। और इसका ऑपोजिट मुथरा। मुथरा को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लंट। ब्लंट। फॉर एग्जाम्पल कैची, चाकू और आपके पेंसिल। नेक्स्ट वर्ड है जागा हुआ। जागा हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे अवेक। अवेक। और इसका ऑपोजिट सोया हुआ। सोया हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे अस्लीप। अस्लीप। नेक्स्ट वर्ड है भाग्यशाली या किस्मत वाला। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लकी। लकी। और इसका ऑपोजिट बदकिस्मत या दुर्भाग्यशाली। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अनलकी। अनलकी। नेक्स्ट वर्ड है उपयोगी। उपयोगी को इंग्लिश में बोलेंगे यूजफुल। यूजफुल। और इसका ऑपोजिट अनुपयोगी या बेकार। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूजलेस। यूजलेस। अब नेक्स्ट है सतर्क या सावधान। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे केयरफुल। केयरफुल। और इसका ऑपोजिट लापरवाह। लापरवाह को इंग्लिश में बोलेंगे केयरलेस। केयरलेस। अब नेक्स्ट है दुआ या आशीर्वाद। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। और इसका ऑपोजिट बददुआ या अभिशाप। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कर्स। कर्स। अब नेक्स्ट है बातुनी। बातुनी को इंग्लिश में बोलेंगे टॉकेटिव। टॉकेटिव। और इसका ऑपोजिट चुप्पा या कम बोलने वाला। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेसिटर्न। टेसिटर्न। अब नेक्स्ट है मौजूद। मौजूद या उपस्थित। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट। और इसका ऑपोजिट अनुपस्थित। अनुपस्थित को इंग्लिश में बोलेंगे एब्सेंट। एब्सेंट। नेक्स्ट वर्ड है ठंडा। ठंडा को इंग्लिश में बोलेंगे कूल। कूल। और इसका ऑपोजिट गरम। गरम को इंग्लिश में बोलेंगे वॉर्म। वॉर्म।
अब नेक्स्ट वर्ड है गाढ़ा। गाढ़ा को इंग्लिश बोलेंगे थिक। थिक। और इस वर्ड का ऑपोजिट पतला। पतला को इंग्लिश बोलेंगे थिन। थिन। फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड चीज जैसे पेंट वगैरह। अब नेक्स्ट है असली। असली को हम इंग्लिश बोलेंगे रियल। रियल। अब इसका ऑपोजिट नकली। नकली को इंग्लिश बोलेंगे फेक। फेक। नेक्स्ट वर्ड है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को इंग्लिश बोलेंगे सुपीरियर। सुपीरियर। अब इस वर्ड का ऑपोजिट घटिया। घटिया को इंग्लिश बोलेंगे इन्फीरियर। इन्फीरियर। अब नेक्स्ट है खुशबू। खुशबू को हम इंग्लिश बोलेंगे अरोमा। अरोमा। अब इसका ऑपोजिट बदबू। बदबू को इंग्लिश बोलेंगे स्टिंक। स्टिंक। नेक्स्ट वर्ड है सयाना। ये चतुर। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे क्लेवा। क्लेवा। अब इसका ऑपोजिट मूर्ख या ना समझ। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे स्टूपिड। स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड है खाली। खाली को इंग्लिश बोलेंगे एम्प्टी। एम्प्टी। और इसका ऑपोजिट भरा। भरा को इंग्लिश बोलेंगे फुल। फुल। नेक्स्ट है स्वस्थ। स्वस्थ को इंग्लिश बोलेंगे हेल्थी। हेल्थी। और इसका ऑपोजिट अस्वस्थ या बीमार। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे अनहेल्थी। अनहेल्थी। अब नेक्स्ट वर्ड है हल्का। हल्का को इंग्लिश बोलेंगे लाइट। लाइट। और इसका ऑपोजिट भारी। भारी को इंग्लिश बोलेंगे हैवी। हैवी। नेक्स्ट वर्ड है रोशनी। रोशनी को इंग्लिश बोलेंगे लाइट। लाइट। और इसका ऑपोजिट अंधेरा। अंधेरा को इंग्लिश बोलेंगे डार्क। डार्क। अब नेक्स्ट वर्ड है धीमा या धीमी। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे स्लो। स्लो। और इसका ऑपोजिट तेज। तेज को हम इंग्लिश बोलेंगे फास्ट। फास्ट। नेक्स्ट है ऑनलाइन। ऑनलाइन का ऑपोजिट ऑफलाइन होगा। नेक्स्ट है पूरा। पूरा को इंग्लिश बोलेंगे कंप्लीट। कंप्लीट। और इसका ऑपोजिट अधूरा। अधूरा को इंग्लिश बोलेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। नेक्स्ट वर्ड है लड़ाई। लड़ाई को इंग्लिश बोलेंगे वॉर। वॉर। और इसका ऑपोजिट शांति। शांति को इंग्लिश बोलेंगे पीस। पीस। नेक्स्ट है दाएं। दाएं को इंग्लिश बोलेंगे राइट। राइट। अब इसका ऑपोजिट बाएं। बाएं को इंग्लिश बोलेंगे लेफ्ट। लेफ्ट। नेक्स्ट है नया। नया को इंग्लिश बोलेंगे न्यू। न्यू। और इसका ऑपोजिट पुराना। पुराना को इंग्लिश बोलेंगे ओल्ड। ओल्ड। नेक्स्ट है ढीला। ढीला को इंग्लिश बोलेंगे लूज। लूज। और इसका ऑपोजिट तंग। तंग या कसा हुआ। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे टाइट। टाइट। नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त को इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड। फ्रेंड। और इसका ऑपोजिट दुश्मन ये शत्रु। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे एनिमी। एनिमी। नेक्स्ट है मुलायम। मुलायम या नर्म। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे सॉफ्ट। सॉफ्ट। और इसका ऑपोजिट कठोर। कठोर को इंग्लिश बोलेंगे हार्ड। हार्ड। नेक्स्ट है विशाल या बहुत बड़ा। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे ह्यूज। ह्यूज। और इसका ऑपोजिट बहुत छोटा या नन्ना। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे टाइनी। टाइनी। नेक्स्ट है शर्मीला। शर्मीला को इंग्लिश बोलेंगे शाय। शाय। और इसका ऑपोजिट बेशरम। बेशरम को इंग्लिश बोलेंगे शेमलेस। शेमलेस। नेक्स्ट है जिंदा। जिंदा को इंग्लिश बोलेंगे अलाइव। अलाइव। और इसका ऑपोजिट मृत। मृत को इंग्लिश बोलेंगे डेड। डेड। अब लास्ट वर्ड है मीठा। मीठा को इंग्लिश बोलेंगे स्वीट। स्वीट। और इसका ऑपोजिट खट्टा। खट्टा को इंग्लिश बोलेंगे
सावर, सावर, ये दोनों आज के हमारे क्विज हैं, खुशबू और धुआं। इसके अपोजिट हमें लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।